हम बताए, ये आप लोगों का आईना है, बुरा मत मानिएगा, इतने बोल के आया तो इससे मेरे ये पसीने। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ। कल जो शाम को रात में कर्फ्यू केसरगंज, कवंडसपुरा, पड़ाव क्षेत्र इत्यादि से जो कर्फ्यू क्षेत्र कम करने की बात आई थी, जो ऑर्डर आया कि यहाँ से कर्फ्यू हटाया जाएगा, उसके बाद व्यापारियों से जो दुकानें खुलवानी थी इनकी, व्यापारी उसके संबंध में इनसे बातचीत करनी थी कि किस तरह की इनको व्यवस्था बनाए रखनी है, इसके बारे में इनको ब्रीफ किया गया है कि आपको रोटेशन से दुकान खोलनी, जो कि उसमें आदेश में ही लिखा हुआ था कि दुकानें रोटेशन से खुलेंगी, क्योंकि एक बहुत ही डेंस मार्केट है तो यहाँ भीड़ हो जाती है, इसलिए अल्टरनेट दुकानें खोलने के लिए इनको बोला गया है। मार्केट एसोसिएशंस जो जो थे उन सब से ये अनुरोध किया गया कि आदेश की पालना में आप जो भी आदेश आया है उसमें लिखा है कि रोटेशन के हिसाब से आप दुकानें खोलेंगे, तो आप रोटेशन दुकानें खोलिए, साथ ही साथ लॉकडाउन के नियमों की पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, दुकान का सामान जो है बाहर नहीं रखेंगे, ये सभी जो भी आदेश में जो कर्फ्यू हटाने के आदेश में जो नियम थे, साथ ही साथ लॉकडाउन फोर के जो नियम हैं उनके बारे में इनको समझाया गया, उनके बारे में ब्रीफ किया गया। रोटेशन को लेकर व्यापारी संतुष्ट हैं, वार्ता में क्या रहे? ये जो थे व्यापारी एसोसिएशन जो थे वो उनके पदाधिकारी थे, तो ये लोग अपने व्यापारी एसोसिएशन में, रेस्पेक्टिव एसोसिएशन में बात करेंगे, उसके बाद ही उनको समझाएंगे। सर कौन कौन सा क्षेत्र बोला है? क्षेत्र का ऑर्डर आपने पढ़ी लिया होगा, जहाँ तक केसरगंज, कवंडसपुरा, पड़ाव, ये जो मार्केट एरिया है ये खुला है। सर ठेलों को लेकर भी कोई व्यापारी ना आ जाए? ठेलों को लेकर अभी तक मेरे पास कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, परंतु आदेश में जो लिखा है कि ठेले के लिए जो भी वेंडिंग जोन है उसके रिगार्डिंग जो भी परमिटेड वेंडर्स हैं, जो भी परमिटेड ठेले वाले हैं, उनको नगर निगम प्रत्यक्ष से उनकी सूची बनाएंगे, उनके बारे में जो आदेश में जैसा कि लिखा हुआ है तो उसकी भी एक्सरसाइज की जा रही है। आप इसी लायक है, हम आपका प्रतिबिंब है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। पुलिस जो है वो समाज का दर्पण है, दे देना डंके बनवा लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक घोड़े के अगर 10 रुपए लेता है तो ज्यादा 10 घोड़े बनेंगे, तो वो हो जाएगा, तो सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। व्यापार में कोई व्यवस्था रखती है, जिम्मेदारी बनती है, आप उसको हटवाएंगे, और वो नहीं हटाता है तो आप थाने में फोन करेंगे। ये संभव नहीं है कि हम एक एक दुकान के आगे जाके खड़े रह के उनको बतावे, ठीक है। नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन, आप दुकान के आगे वो सफेद बोलने जो है वो 6-6 फीट की दूरी बनाएंगे, ठीक है। और जो दुकान नहीं खुल रही है तो आप एक बार अर्जेंट हो तो आपको है ना अंडरटेकिंग देनी है, इसमें से जो एक वाला तंबाकू बीड़ी सिगरेट वाला है ना, ये पॉइंट हटाना है, इसका फोटो खींच दीजिए। आपको दुकान जो है ना शटर के बाहर आपको सामान रखना नहीं है, ठीक है ना, ये आप इंश्योर कर ले और बता देना। दूसरा, आपकी दुकान के आगे कोई ठेला नहीं लगेगा और कोई थड़ी नहीं लगेगी, ठीक है ना। थड़ी का मतलब ये है कि वो आगे आके बैठते थे, वो लहसुन लेके बैठ गया, प्याज लेके।